हमने ऑडिट मेथडोलॉजी भी डिटरमाइन कर ली, और ऑडिट मेथडोलॉजी क्या है, सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ही ये हमने पढ़ा था, यानी प्रोग्राम के अंदर मेथडोलॉजी होगी, मेथडोलॉजी स्ट्रेटेजी जो कुछ भी कहें उसके अंदर प्रोसीजर्स होंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, कंप्लाइंस या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे। अब क्या है, आपने प्लान बना दिया, प्लानिंग फेज स्टार्ट हो गया। अब दूसरा फेज हो गया कि इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करें आप, यानी कि युद्ध में कूदें। अब प्लानिंग भी चेंज हो सकती है, प्रोग्राम में भी चेंजेस आ सकते हैं और मेथडोलॉजी भी चेंज हो सकती है। अब क्या है कि जब आप एग्जामिनिंग के एग्जामिनेशन के फेज़ में, इंफॉर्मेशन के इवेल्युएशन के फेज़ में जाएंगे, मतलब इवेल्युएट क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करें। पहले तो प्लान बना लिया आपने, देख लिया, प्रीलिमिनरी रिव्यू कर लिया और देख लिया कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ऑडिट करने लगोगे तो ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से चलें। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑडिट मेथडोलॉजी पहले डिस्कस कर दी जाती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है जैसे, उसमें मेथडोलॉजी पहले डिस्कस की जाएगी कि क्या आपकी मेथडोलॉजी होगी। अगर आप आईएएस ऑडिट है तो आपको जाते ही पूछेगा कि आपकी मेथडोलॉजी क्या होगी, तो आपको अगर रिस्क बेस्ड अप्रोच होगी, हम कंप्लायंस टेस्टिंग पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, सब्सटेंटिव पर कम करते हैं। जब सब्सटेंटिव टेस्टिंग हम तब करते हैं जब कंप्लायंस कंट्रोल्स वीक्स दिखाई देते हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और किस तरह से करेंगे कि हाँ ऑडिट फाइंडिंग्स कैसे की जाएंगी, हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। और मैंने ये बोला था कि ऑब्जर्वेशन को हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन किया हमने, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट को भेज दिए, ये हमने ऑब्जर्व किया, आप इसमें फीडबैक दो। इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, ICQs हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, और वेरीफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन हमने बोला लॉजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन हम फिजिकली करेंगे, लॉजिकल वेरिफिकेशन हम लॉजिकली कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करके करेंगे। तो अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना था कि जो हमारी स्टडी में कंप्लायंस टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बारे में कहा गया है, जब ऑडिट करेंगे तो लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, लॉजिकल कंट्रोल चेकिंग करेंगे। लॉजिकल कंट्रोल चेकिंग करेंगे तो कहाँ पर किस कौन सी चीज़ के लॉजिक्स को कंट्रोल करेंगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बेसिकली सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर पर अटैक करेंगे। यानी लॉजिकल कंट्रोल्स यानी लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग का मतलब ये है सॉफ्टवेयर में अटैक करना, सॉफ्टवेयर को देखना, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी चेक करना, सॉफ्टवेयर कि मैं कंट्रोल्स इनबिल्ट हैं कि नहीं है ये चेक करना, और सॉफ्टवेयर की चेकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कंप्लायंस टेस्टिंग, क्योंकि मैनुअल इन्वायरमेंट भी है और IT इन्वायरमेंट भी है, CIS क्या है, मिक्स है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% नहीं आई है। जब 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, रिकर्सिव AI आ जाएगी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, आज नैरो AI है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक पर्टिकुलर एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहती है, जैसे चेस के एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या लैंग्वेज गेम वॉटसन एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर्टिकुलर एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AGI नहीं आई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी नहीं आई है, रिकर्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AGI आने के बाद आएगी। तो जब 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होंगे, लेकिन आज की डेट में ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट का मतलब ये है, जहां पर एक कंप्यूटर भी रख दिया वहां से कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हों तो आपका जो कंप्लायंस, आप क्या करेंगे, आप कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, मैनुअल कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे। लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर्स होंगे, और मैनुअल कंप्लायंस टेस्टिंग में क्या होगा, मैनुअल कंप्लायंस टेस्टिंग में बेसिकली डायरेक्टिव कंट्रोल्स होंगे, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज सही हैं कि नहीं है, प्रोसीजर सही हैं कि नहीं है, उसी के अनुसार काम हो रहे हैं कि नहीं हो। नो डाउट पॉलिसी प्रोसीजर के दो भाग स्प्लिट होंगे, पॉलिसी प्रोसीजर एक लॉजिकली इंप्लीमेंट करोगे और मैनुअली इंप्लीमेंट करोगे। वो जो मैनुअल पोर्शन है वो मैनुअल कंप्लायंस टेस्टिंग में आ जाएगा, मैनुअल कंट्रोल्स में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की मैनुअल कंप्लायंस टेस्टिंग में आ जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बंदों की हायरार्की क्रिएट कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके पास है, तो वो क्या है, मैनुअल कंट्रोल्स क्रिएट कर रहे हो, प्रोसेस देखोगे, प्रोसेस मैनुअल हो सकती हैं, प्रोसेस लॉजिकल हो सकती हैं, पार्टली मैनुअल हो सकती हैं, पार्टली लॉजिकल हो सकती हैं।
तो लॉजिकल पोर्शन जो होगा वो लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग होगी। जब आप एक बात हमें ये ध्यान देना है कि जब हम मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जनरली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे। लेकिन अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देख रहे हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे, तो जनरली कंप्लायंस प्रोसीजर्स होंगे। वैसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल्स देख रहे हो, लॉजिकल कंट्रोल्स देख रहे हो, वहाँ पर एप्लीकेशन कंट्रोल्स देख रहे हो, एप्लीकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कंट्रोल्स देख रहे हो, डेटाबेस है तो उसमें कंट्रोल्स देख रहे हो, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप लॉजिकल कंट्रोल्स देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट देख रहे हो, मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं देख रहे हो। तो यानी कि जब डिफाइंड प्रोसेसेस में को चेक कर रहे हो तो कंप्लायंस टेस्टिंग हो रही है। आप देख रहे हो डिफाइंड प्रोसेसेस काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। डिफाइंड प्रोसेस लॉजिकल है तो लॉजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे, फिजिकल है तो फिजिकल कंप्लायंस टेस्टिंग करोगे, फिजिकली उसको चेक करोगे। अगर आप देख रहे हो वाउचर तीन आदमियों के हाथ से साइन होता है, मैनुअली साइन होता है, तो तीन आदमी साइन कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या लॉजिकली वो कंप्यूटर में हो रहा होगा, तो कंप्यूटर में हो रहा होगा तीन आदमी तो कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक देखना है, ट्रेल बन रही है कि नहीं बन रही है, कहीं ओवरराइड तो नहीं हो रहा है, किसी दूसरे ने साइन तो नहीं कर दिया, लॉजिकल साइन तो नहीं कर दिया, उसकी ट्रेल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो वहाँ पर लॉजिकल कंट्रोल्स आपको देखने पड़ेंगे। और हमने बोला कंप्लायंस टेस्ट का काम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है कि जो प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन उसने किया था उसी के अनुसार कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन के अनुसार कंट्रोल है, यानी स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उसके अनुसार कंट्रोल्स हैं, तो इसका मतलब सही है, उसकी ऑडिट ओपिनियन सही जा रही है। नहीं हो रही है तो वो सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करेगा, और ज़्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा। कई बार सब्सटेंटिव लिमिटेड सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा, कई बार उसे लगता है कंट्रोल सही है, लिमिटेड सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेगा, लेकिन अचानक उसे लगता है कि यार यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। मालूम पड़ा, जैसे मैंने बोला कि कई बार क्या होता है, कंपनी में आप जाओगे तो आईटी मैनेजर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपसे, आपको लगेगा कंट्रोल्स तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब जाकर आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा सब्सटेंटिव टेस्टिंग में गड़बड़ है। तो फिर आपको ये पता चलेगा कंट्रोल्स उतने नहीं है। आपने इंटरव्यू लिया, उसको डॉक्यूमेंट किया, क्वेश्चनर दिया, उसको डॉक्यूमेंट किया, लेकिन जब आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग में आए तो वहाँ पर प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया उसको एरिया बढ़ा दिया। तो कंप्लायंस टेस्टिंग जो होता है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है और कि अकाउंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर कंसिस्टेंटली अप्लाइड हैं और पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन और साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिसीज प्रोसीजर, कई कंपनी में पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं बड़े, नेट में देखोगे लेकिन धरातल में अप्लाई नहीं होते हैं, तो वहाँ पर पॉलिसी प्रोसीजर वायलेट हो रहे हैं तो इसका मतलब कंट्रोल्स नहीं है। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग होती है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में क्या होता है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग में आप ट्रांजैक्शन पर देखते हो, उनके मॉनेटरी एस्पेक्ट देखते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हो, मॉनेटरी एस्पेक्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल बैलेंसेज, इंडिविजुअल या एनालिटिकली आप उन्हें देखते हो। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक एनालिटिकल एक नॉन एनालिटिकल। एनालिटिकल में ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार चार्ट ये सब बना के देखते हो, ग्राफ्स भी कई टाइप के ग्राफ्स होते हैं उन्हें बनाकर देखते हो और एनालिसिस करते हो, एनालिटिकल वे में देखते हो, पिछले ईयर से कंपैरिजन करते हो, एनालाइज करते हो, एनालिसिस करते हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या है, जाकर आप लेजर स्क्रूटनी करने लगते हो, बैलेंसेस देखते हो, ट्रांजेक्शन्स देखते हो, तो और इंडिविजुअल लेवल पर जाकर देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मॉनेटरी क्या है कि आपने जाकर बात की कंट्रोल्स प्रोसीजर पॉलिसीज़ की और फिर आप कंपनी के अंदर गए और वहाँ पर रियल वे में जाकर देखा, रियल वे में देखा कि बैकअप सही हैं कि नहीं है। आपने देखा बैकअप्स तो सही नहीं है, बैकअप्स में प्रॉब्लम है, जो हमें बताया गया था डिफरेंशियल बैकअप वो रखा ही नहीं जाता है, या जो इंक्रीमेंटल बैकअप बनाया गया था वही नहीं रखा जाता, बीच बीच में फुल बैकअप नहीं रखा जाता, कई बार इनके लॉग्स नहीं है कंपनी में, तो ये नॉन मॉनेटरी सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। लेकिन आप नीचे ट्रांजैक्शन लेवल में जाकर देखते हो, बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन लेवल पर आप जब देख रहे हो तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हो, जब आप ब्रॉड पॉलिसी लेवल पर जाकर देख रहे हो तो कंप्लायंस टेस्टिंग कर रहे हो। मॉनेटरी एस्पेक्ट होगा तो जनरली क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली कंप्लायंस टेस्टिंग होगी। तो ये आपको देख लेना है, मतलब एग्जामिनेशन में ये पर्टिकुलर चीज़ों में एम्फेसिस हो सकता है, आ सकता है।
तो कंप्लायंस टेस्टिंग आपकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कितनी करनी है उस पर डिटरमाइन करती है, यानी कि कंप्लायंस टेस्टिंग आपने की और पता चला सिस्टम बहुत पावरफुल है तो आप कहोगे यार सिस्टम स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम करोगे, अगर सिस्टम वीक है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज़्यादा करोगे। तो मतलब एक तरह से इनवर्स रिलेशनशिप है कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। तो कंप्लायंस टेस्टिंग में जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप की कंट्रोल पॉइंट्स डिफाइन करोगे, यानी कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन करोगे, की कंट्रोल पॉइंट्स को डिफाइन करोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लोगे उनके उन कंट्रोल्स की। तो पहले आपने ये की कंट्रोल पॉइंट्स है, यहाँ से कंट्रोल होता है, इस तरह से ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है, यानी कि जब एक वाउचर ऑथराइज होता है तो दो लोगों के पास पास जाता है या तीन लोगों के पास अप्रूवल के लिए जाता है, तो वो की पॉइंट्स हैं। तो आपको प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कंट्रोल्स की, और कंप्लायंस टेस्ट होने के बाद वही प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कंट्रोल्स होने चाहिए। अब वो अगर वो वीक कंट्रोल्स हैं तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे, वो स्ट्रांग कंट्रोल है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम कर दोगे। तो की कंट्रोल पॉइंट्स की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, समझ होना बहुत ज़रूरी है कि क्या की कंट्रोल पॉइंट्स हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें चलती हैं, फ्रॉड होता है, ये एक्सपीरियंस के अनुसार आपको पता चल जाएंगी। तो कंप्लायंस टेस्टिंग से सबसे पहले पता चलेगा कि कंट्रोल हैं कि नहीं है, और हैं तो क्या वो रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, रिलायबली वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उस तरह से वर्क कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम हो जाएगी, नहीं तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी, सैंपल साइज़ कम हो जाएगा, नहीं तो सैंपल साइज़ बढ़ा दिया जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो कंट्रोल्स लगे हैं वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कंट्रोल्स का डायरेक्टिव कंट्रोल्स के साथ अलाइनमेंट है कि नहीं है, जो डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अनुसार कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं डायरेक्टिव कंट्रोल्स, यानी कि आपके जो कंट्रोल्स हैं वो डायरेक्टिव कंट्रोल्स के साथ अलाइन्ड हैं कि नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक तो कंट्रोल्स हैं, दूसरा वो ऑब्जेक्टिव को मीट आउट नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो कंट्रोल्स लोगों को रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। मालूम पड़ा एक रेलवे है, पहले क्या होता था, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन अगर रेलवे प्राइवेटाइज होती तो ये समझ लो जैसे पहले रेलवे का हालत था, वहाँ कंप्यूटराइजेशन बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं था, आज तो सब IT आ गया इसलिए रिस्पॉन्स अच्छा हो गया है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं था तो यानी कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार काम नहीं हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन। उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेलवे का, लोगों को ले जाना, सर्विस देना, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो रहा था तो रेलवे का भट्टा बैठ गया होता, क्योंकि रेलवे मोनोपोली थी इंडिया में और आज भी है, तो इसलिए वो चलती रही। लेकिन बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा पॉलिसी कंट्रोल्स इस तरीके से अप्लाई होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करें, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को मीट आउट करें। अच्छा, एक चीज़ और, सब्सटेंटिव टेस्ट क्या करता है, सब्सटेंटिव टेस्ट एक तो इंडिविजुअल लेवल पर जाता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग देखता है सब्सटेंटिव टेस्ट, एक्चुअल प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स कंप्लायंस देखता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग जो हो रही है उसमें सही होगी कि नहीं होगी उसके कंट्रोल्स कंप्लायंस टेस्टिंग देखता है। एक्चुअल प्रोसेसिंग बेसिकली समझने के कई तरीके हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी टर्म्स में मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी टर्म्स में पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मॉनिटरी मोस्टली सब्सटेंटिव होंगे, लेकिन नॉन मॉनिटरी जरूरी नहीं है कंप्लायंस हों, नॉन मॉनिटरी होगा तो मोस्टली कंप्लायंस होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन लेवल पर अगर जब भी जाओगे तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, जब प्रोसेस लेवल पर जब भी जाओगे तो कंप्लायंस होगा, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होगा। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या करता है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करता है कि एक्चुअल प्रोसेसिंग की इंटेग्रिटी देखता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग को देखता है, और वो ये देखता है कंप्लायंस टेस्टिंग की आउटकम को वेरीफाई करता है, मतलब वो एक कंपेंसेटिंग कंट्रोल है एक तरह से देखा जाए तो, कंपेंसेटिंग टेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो। आपने कंप्लायंस टेस्टिंग की और उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्टिंग की तो एक और डिग्री के रिलायंस प्लेस कर दिया, जितना आपका सैंपल साइज़ बड़ा होगा, अगर आपको ऑडिट रिस्क ज़्यादा लग रहा है सैंपल साइज़ बड़ा कर दो, आप बोलो कि मैंने इतनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग की इसमें कोई गड़बड़ नहीं निकली, तो कंप्लायंस टेस्टिंग की और उसके बाद सब्सटेंटिव भी की और दोनों एक ही रिजल्ट देख रहे थे, इसके बाद भी फ्रॉड हो गया तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस देना है, मुझे 100% एश्योरेंस नहीं देना है। ऑडिटर और उसके पास ऑडिट एविडेंस होना चाहिए कि उसने कंट्रोल्स देखे और सब्सटेंटिव टेस्टिंग की, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो की उसमें जो ऑडिट सैंपल लिया
वो ऑडिट सैंपल साइंटिफिक ऑडिट सैंपल लिया। ऑडिट सैंपल कैसे लिया वो हम जानते हैं ऑडिट में, और आगे भी एक बार देख लेंगे थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग मॉनिटरी एरर्स पता चल जाते हैं उससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंसेज जहाँ अफेक्ट हो रहे हैं वो पता चल जाते हैं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो पता चल जाते हैं। तो यानी कि ट्रांजैक्शन का डिटेल, बैलेंसेज का डिटेल, अगर रिकैलकुलेशन कर रहे हो इंटरेस्ट वगैरह इस तरीके का, या रेशियो देख रहे हो, या ट्रेंड देख रहे हो, या ग्राफ देख रहे हो, रेशियोज़ भी आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, एनालिटिकल सब्सटेंटिव टेस्टिंग में आ जाते हो। और एक्सेप्शनल आइटम्स देख रहे हो, अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स देख रहे हो उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, वो भी सब्सटेंटिव टेस्टिंग हो जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि इफेक्ट अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो सब्सटेंटिव टेस्ट कम करोगे। अगर सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, यानी सैम्पलिंग जहाँ पर बात आ गई वहाँ सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, याद रखना। सैम्पलिंग ओनली एंड ओनली फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। कंट्रोल्स आप ब्रॉडली देख लेते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल्स एक बार पूरी तरह चेक कर लेते हो, ट्रांजेक्शन फिर हज़ारों ट्रांजेक्शन उस कंट्रोल्स के थ्रू गुजरते हैं, आप कंट्रोल्स में भी स्पेसिफिक नहीं होगे, कंट्रोल्स में स्पेसिफिक होगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ, ये कर सकते हो, ऑडिट प्लान बना सकते हो कि इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स इस बार चेक करूंगा, अगले डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स अगली बार चेक करूंगा, अगला डिपार्टमेंट अगली बार चेक करूंगा तो उसके कंट्रोल्स उसके प्रोसेसेस अगली बार चेक करूंगा। लेकिन प्रोसेस लेवल पर आपको 100% होना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोल चेक करोगे। उसी प्रोसेस के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन जा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रेविटी की थ्योरी है, ग्रेविटी की थ्योरी एक बार बन गई तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। रोज आदमी झूला झूल रहा होता है, वो भी ग्रेविटी में कर रहा होता है। आदमी जो है थर्ड फ्लोर से जब उतरता है तो वो छत से नहीं कूदता है, वो नीचे सीढ़ियों से जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की थ्योरी के अनुसार जाता है। तो ग्रेविटी की थ्योरी एक बार बन गई तो उसके बाद उसमें हज़ारों एप्लीकेशंस चलेंगे। तो इसी के तरीके से एक बार प्रोसेस बन गई तो हज़ारों ट्रांजैक्शन उससे गुजरेंगे। तो प्रोसेस को आपको 100% चेक करना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन फिर उसके बाद आप सैंपलिंग करोगे। तो सैंपलिंग का ट्रांजैक्शन का मतलब ही, सैंपलिंग का मतलब ही ट्रांजैक्शंस है, और ट्रांजैक्शन का मतलब ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है। तो यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले सैंपलिंग की बात आएगी, कितने सैंपल लोगे, 100% लोगे कि कुछ सैंपल लोगे, और सैंपल लोगे तो साइंटिफिक सैंपल लेना पड़ेगा, साइंटिफिक सैंपलिंग टेक्निक्स के अनुसार चलनी पड़ेगी। लॉजिकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, लॉजिकल सैंपलिंग कर सकते हो, फिजिकल सैंपलिंग कर सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, और तीसरा आइटम लॉजिकली देख सकते हो, लॉजिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू सैंपलिंग कर सकते हो। यानी कि सैंपलिंग भी लॉजिकल और फिजिकल, हर चीज़ फिजिकल और लॉजिकल में स्प्लिट हो जा रही है। क्यों स्प्लिट हो जा रही है? कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है। ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है कि अगर कहीं भी एक कंप्यूटर लग गया, उससे ज़्यादा लग गया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर लॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा। एक बार और इसे समराइज कर देते हैं। पहला फेज़ था प्लानिंग का फेज़, दूसरा फिर एक्शन का फेज़ है, एविडेंस वगैरह कलेक्शन वगैरह इवेल्यूएशन का फेज़ था। तो पहले उसमें हमने प्लानिंग वगैरह की और मेथडोलॉजी सॉरी प्रोग्रामिंग ऑडिट प्रोग्राम बनाया, फ्रीज वो जो एक डिलीवरेबल था, उसके बाद ऑडिट मेथडोलॉजी डिसाइड की, कौन से प्रोसीजर्स लगाओगे डिसाइड किए, और फिर हम आगे बढ़े, और फिर हमने ये जाना कि सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होते हैं, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर किस तरह से अप्लाई होते हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर प्रोसेस बेस्ड होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो होंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर्स जो होंगे जनरली क्या होगा, वो कंट्रोल्स को चेक करेंगे, नॉन मॉनिटरी होंगे, और प्रोसेस बेस्ड होंगे, और जनरली कंप्लायंस टेस्टिंग 100% करनी चाहिए, कंट्रोल्स 100% टेस्टिंग करनी चाहिए, कंट्रोल्स हैं कि नहीं है वो देख लेने चाहिए। और कंट्रोल्स को चेक करने के लिए कई बार आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको ट्रांजैक्शंस लेवल पर जाकर देखना पड़ेगा कि हर वाउचर पर तीन साइन है कि नहीं है, तीन सिग्नेचर्स हो रहे हैं जनरली वाउचर्स पर, तो इसका मतलब तीन जगह से जा रहे हैं ट्रांजैक्शन और उसके बाद वेरीफाई हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह से सब्सटेंटिव टेस्टिंग के थ्रू आप वो करोगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग क्या होती है, या तो आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह देखोगे, या ग्राफ्स, रेशियो, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें देखोगे, एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में आता है। फिर हमने ये बोला था कि लॉजिकल कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होते हैं, लॉजिकल कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं और मैनुअल कंप्लायंस प्रोसीजर होते हैं। लॉजिकल कंप्लायंस प्रोसीजर लॉजिकली सिस्टम में जाकर आपको कंप्लायंस देखना होता है, और लॉजिकली कंप्लायंस को क्या देखोगे, सॉफ्टवेयर को देखोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर कंट्रोल नहीं कर रहा, हार्डवेयर तो उसको हेल्प कर रहा है प्रोसेस करने में, हार्डवेयर तो फिक्स्ड होता है,
जो सॉफ्टवेयर है, कई बार फर्मवेयर होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में फर्मवेयर को भी चेक करना पड़ेगा। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। तो वहाँ जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हमें चेक करना पड़ेगा, लॉजिकली चेक करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर चेक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के लेवल पर चेक करना पड़ेगा, डेटाबेस के लेवल पर चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन प्रोसीजर्स अप्लाई करके आप करोगे क्या, एविडेंस को कलेक्ट करोगे और इवेल्युएट करोगे। बेसिकली ऑडिटर का काम क्या है, फाइनल ओपिनियन देना, एक मतलब एक डॉक्यूमेंट बना देना। आजकल क्या है, लॉजिकल डॉक्यूमेंट बनता है, वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह बनता है, और उसे मेल कर देना मैनेजमेंट को फाइनली, और या फिर उसकी कॉपी निकाल के अच्छे से बना के मैनेजमेंट को दे देना, उसमें सिग्नेचर्स वगैरह करके। लेकिन आजकल लॉजिकली ज़्यादा चलता है, मेल्स में रिपोर्ट जनरली ज़्यादा आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप एविडेंस को इवेल्युएट करोगे और कलेक्ट करोगे, आपका काम जो है एविडेंस कलेक्ट करना है, एविडेंस के बेसिस पर ही ओपिनियन दोगे। तो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए आपने जो है पहले प्लानिंग की, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद मेथडोलॉजी डिसाइड की, फिर स्ट्रेटेजी मेथडोलॉजी या स्ट्रेटेजी डिसाइड की, और फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड किए, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, जो कि जो बहुत सारे हैं, कंप्लाइंस, सब्सटेंटिव, ऑब्जर्वेशन कर रहोगे, इंटरव्यूज लोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स, री परफॉर्मेंस करोगे, ये प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या है, आप ये क्या किस लिए करोगे, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करोगे। तो कोई एविडेंस, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आईएएस ऑडिटर यूज़ करता है, और उसको यूज़ करके अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करता है। उसका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना। तो यानी कि रीजने ऑडिट क्राइटेरिया या ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट करता है। और अब ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, पीएफ ऑडिट करोगे तो अलग ऑडिट ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने पहले ही बताया था। दूसरी बात, अगर मान लिया पीएफ कर रहे होगे तो सारे आप ट्रांजैक्शन लेवल में करोगे, वहाँ पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग ही करोगे, पीएफ की सारी एंट्रीज देखोगे, पीएफ सही तरीके से कटा है कि नहीं कटा है ये देखोगे, आप पीएफ ऑडिट कर रहे हो, मिनिमम पीएफ के अनुसार ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि आप आके एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव होगा, और उस पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ओपिनियन दोगे, और ओपिनियन देने के लिए एविडेंस कलेक्ट करोगे। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल ऑडिट कर रहे हो तो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करोगे, वहाँ पर सारे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करोगे, वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग है ये पता करोगे, कहाँ कहाँ वायलेट हो रहे हैं आप पता करोगे। तो वो आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए आप एविडेंस को गैदर करोगे, इवैल्यूएट करोगे एविडेंस को। तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस मैंने बोला कि जिस तरीके से सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी है, वैसे एविडेंस में तीन चीज़ें, सफिशिएंट, रिलेवेंट, रिलायबल, कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए। यानी कि एविडेंस, कॉम्पिटेंट एविडेंस होना चाहिए, कंप्लीट एविडेंस होना चाहिए, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, रिलेवेंट रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, रिलेवेंट एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस की रिलायबिलिटी बढ़ती चली जानी चाहिए। यानी कि एक एविडेंस आपने लिया कंपनी के अंदर के बंदे से, और एक लिया थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी का जनरली ज़्यादा रिलायबल होगा। मैं कह रहा हूँ जनरली ज़्यादा रिलायबल होगा, कई बार ज़रूरी नहीं है, कई बार थर्ड पार्टी बैठी हुई है और उसके पास डेटा गलत निकला, उसने कहा भेजना है यार भेज दो, और उसने गलत डेटा भेज दिया, तो वो अनरिलायबल हो सकता है, लेकिन उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑडिटर आईएएस ऑडिट को प्लान करेगा, तो उसे ये पता होना चाहिए किस तरह का ऑडिट एविडेंस उसे गैदर करना है, जो कि उस, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट करना है, तो ऑडिट एविडेंस कई सुपर इम्पोज करेगा। मतलब हो सकता है आपने कहीं पर जा रहे हो, तो आपने इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन किया, तो कुछ गड़बड़ लगी, इंटरव्यू किया तो थोड़ा और एडिट एविडेंस ले लिया, उसके बाद आपने और प्रोसीजर्स लगाने स्टार्ट किए, सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाने वाले पार्ट किए, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन देखना स्टार्ट कर दिया। तो ये एविडेंस एक दूसरे के को, एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को जोड़ता है। तो आपने जो ऑब्जर्वेशन दिए उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, मेल कर दिया मैनेजमेंट को कि मैंने ये देखा, यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, उनका एक पर्टिकुलर आंसर आया, वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो गया। तो यानी कि वेरिंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी हो सकती है, और हमें क्या चाहिए होगा, रिलायबल एविडेंस ही होगा। तो कई एविडेंस, कई बार क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कई कई एविडेंस कलेक्ट करते हो, और फिर उसके बाद वो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको एविडेंस के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं, कुछ एविडेंस दूसरे एविडेंस से ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, मतलब कुछ एविडेंस जो है उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। और ऑडिट एविडेंस में कुछ भी हो सकता है, ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन है,
उसने इंटरव्यू में कुछ नोट्स ले लिए, उसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग ले ली, उसने कोई करस्पॉन्डेंस हो रही है, मेल्स हो रही हैं उसको ले लिया, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ले लिया, या कोई टेस्ट किया, एक ग्राफ बना उसने, आपने डेटा मंगाया, डेटा मंगाकर एक पर्टिकुलर ग्राफ बन गया, ग्राफ बनाया आपने, सेल्स का ग्राफ बनाया, एक्सपेंसेस का ग्राफ बनाया और देखा पीक आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो भी एविडेंस होगा। या आपने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन किया, जैसे बैंक के बैलेंसेस को बैंक से कंफर्म किया, वो भी एक एविडेंस होगा। तो यानी कि एविडेंस कुछ भी हो सकता है, इवन ऑब्जर्वेशन भी एविडेंस हो सकता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया है कोई पर्टिकुलर चीज़ और उसको लिख लिया एक जगह पर कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तो वो एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन बहुत वीक एविडेंस है। अब आपने उसे मेल कर दिया मैनेजमेंट को, मैंने इसे देखा, और मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर मेल रिप्लाई आ गया और आपने उसे सेव कर लिया, लॉजिकली सेव किया अपने कंप्यूटर में या फिजिकली उसकी कॉपी निकाल कर रख ली, तो वो स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया, उसी एविडेंस को आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपने कहा ये चीज़ें एविडेंस की, आप एक मीटिंग में बैठे एक HR हेड के पास या IT हेड के पास या जो भी बंदे उनके पास बैठे, आपने कहा जी मीटिंग में आपने बोला कि ये चीज़ें मैंने देखी थी, उसका जो आंसर आया उसका आपने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बना दिया, आपने जो बोर्ड के मिनट्स हैं और बहुत सारे मिनट्स देखे, आपने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स देखी और उसके वायलेशन देखे, आपने वाउचर्स देखे, कई वाउचर्स में सिग्नेचर नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी। तो बेसिकली क्या है कि आपको क्या करना है, आपको एक आपकी ओपिनियन एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, सॉलिड एविडेंस पर बेस होनी चाहिए। तो अगर एविडेंस वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उतना रिलायबल नहीं है जैसे ऑब्जर्वेशन है, तो आप उसको रिलायबल बनाओगे। लॉजिकल एविडेंस है तो कई बार मैनुअल एविडेंस आप उसके साथ कलेक्ट करोगे ताकि वो पावरफुल हो जाए। लॉजिकल एविडेंस है तो उसमें क्या करोगे, आप प्रिंट स्क्रीन निकाल लोगे या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करके अंदर जाओगे, कई बार पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दोगे आप, और उसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत हाई स्किल चाहिए होती है उसके लिए, IT प्रोफेशनल ही चाहिए होते हैं, बेसिकली IT ऑडिट प्रोफेशनल ही चाहिए होते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते उतना, लेकिन हम किसी एक्सपर्ट पर रिलाई कर सकते हैं। एक्सपर्ट पर रिलाई करके फिर हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रख लिया, उसकी ओपिनियन अपने पास रख ली, थर्ड पार्टी पर की ओपिनियन अपने पास रख ली। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमने ऑडिट एविडेंस रखा। तो अब हम क्या है कि अगले सेशंस में ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी ऑडिट एविडेंस मेन चीज़ है। सबसे आपका काम है ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना और ओपिनियन देना एज एन ऑडिटर। तो बेसिकली प्रायोरिटी ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्रायोरिटी ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सफिशिएंट रिलायबल अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए जिस पर आपकी ऑडिट ओपिनियन बेस होगी। और ये ऑडिट एविडेंस के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग से लेकर ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, और ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद ऑडिट मेथोडोलॉजी बनाते हो, ऑडिट मेथोडोलॉजी के बाद ऑडिट स्ट्रेटजी या जो भी अप्रोच जो भी कुछ को वो करते हो, और उसके बाद सब्सटेंटिव और कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हो, या इंक्वायरी करते हो, या ऑब्जर्वेशन करते हो, या इंटरव्यू करते हो, या रीपरफॉर्मेंस करते हो, या जो भी चीज़ें करते हो, या वहाँ जाकर देखते हो प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग हैं वीक हैं, और उसके एविडेंस अपने पास इकट्ठे करते रहते हो। किस लिए करते हो ये सारा काम, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। और एविडेंस क्यों इकट्ठा करते हो, क्योंकि आपको रीज़नेबल ओपिनियन देनी है, रीज़नेबल एश्योरेंस देनी है, रीजनेबल ओपिनियन नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी ऑडिट ओपिनियन है वो उस पर आप रिलाई कर सकते हो। ऑडिट रिस्क अपना कम करना है, और अगर रिस्क हुआ, ऑडिट कहीं प्रॉब्लम हुई, कोई चीज़ हुई, तो आप कह सकते हो मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा था, ये मेरे पास ऑडिट एविडेंस है, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था, एक रीजनेबल प्रूडेंट आदमी इतना ही कर सकता था। इसके बावजूद भी जो इस आदमी ने फ्रॉड किया है, तो मास्टर फ्रॉड ही है, कई बार कंपनी में मास्टर फ्रॉड होते हैं, मतलब अल्टीमेट फ्रॉड्स होते हैं। तो जब अल्टीमेट फ्रॉड आ गए, जो बिल्कुल क्या कहते हैं आपके, जैसे वो लक्की फिल्म में लक्की था, कहीं भी चोरी कर लेता था, तो एक्सेप्शन्स हर जगह होते हैं। तो एक्सेप्शनल कंडीशंस हर जगह होती हैं। तो आप ये दिखा, आप उससे एविडेंस ही ये दिखा सकते हो कि मैं एक्सेप्शनल कंडीशन, मैंने जो एविडेंस दिए वो सफिशिएंट था, अप्रोप्रिएट था, रिलायबल था, और इस पर्टिकुलर इस प्रस्पेक्टिव में ये ठीक था, मतलब
एविडेंस कुछ और है, हम उसमें कुछ और ओपिनियन निकाल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। एविडेंस के बेस से ही ओपिनियन निकलनी चाहिए, वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि वही उसको देखते ही ओपिनियन अपने आप फॉर्म हो जाए। ये इतना एविडेंस होना चाहिए कि आप कहोगे ये एविडेंस है, अब आप क्या ओपिनियन बनाओगे इसमें, तो अगला पार्टी कहे हाँ यार यही ओपिनियन बनती है और आपने जो ओपिनियन दी सही दी। और एविडेंस आप कहोगे क्या मेरा एविडेंस मजबूत है, नहीं है, तो दूसरा आदमी कहेगा हाँ एविडेंस भी आपने बिल्कुल सही किया, आपने कंप्लायंस टेस्टिंग भी की, आपने सारा प्लान भी बनाया, प्रोसीजर भी बनाया, इंटरव्यू भी लिया, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर भी फ्लोट किए, अपनी तरफ से आपने सारी चीज़ की सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, तो आपने जो एविडेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आपने कोशिश की कंप्लीट रिलायबल और सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक रीजनेबल लेवल से आपने एश्योरेंस देने की कोशिश की, उसके बावजूद भी गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एविडेंस ही वीक है, एविडेंस ही ऐसे हैं जिस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन ही है चारों तरफ, आपने ऑब्जर्वेशन पर ही ओपिनियन दे दी ना, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट किया, उसके अलावा बहुत सारे लॉजिकल कंट्रोल्स चेक किए, तो उसकी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ की और साथ में मैनुअल कंट्रोल्स के साथ उसको चेक करके देखा। अगर आपने इंटरनल प्रोसेसिंग की तो बाद में इनपुट आउटपुट भी चेक कर लिया उसका, इंटरनल प्रोसेसिंग चेक कर रहे हो, इनपुट आउटपुट भी चेक कर रहे हो, तो यानी कि एक तरीके से आप एक ब्रॉड पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हो और उस एविडेंस कोरिलेटेड हो रहे हैं और उससे ओपिनियन निकल कर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एविडेंस के बारे में हम अगले सेशंस में